Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach, Learn and Grow With Me. तो सी टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग सी टेट का बेसब्री से वेट कर रहे हैं बट उन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम की कमी हो रही है, तो आई कैन हेल्प यू इन दैट वे. मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में पढ़ाने की कोशिश करूँगी. आई विल गिव यू ऑल द थियोरेटिकल कंसेप्ट, जो भी थ्योरीज होंगी आपके चैप्टर की ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, आई विल बी गिविंग यू इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आपका मैक्सिमम टाइम सेव हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम साइंस चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 फूड. फ्रॉम वेयर डज इट कम, आपको फूड आपको कहाँ से मिलता है. तो इस चैप्टर में आपके पास होंगे व्हाट इज़ अ फूड, आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगी, जस्ट हैव अ गुड रीडिंग ऑफ द चैप्टर आफ्टर दिस क्लास. एंड फूड होगा आपका, तो फूड व्हाट इज़ अ फूड. जिस तरह से कार को रन करने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, एक बस को या ट्रक को रन करने के लिए डीजल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी को रन करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है, राइट. द फूड इज़ बेसिकली अ फ्यूल इन आवर बॉडी. अब जिस तरह से पेट्रोल इंजन के अंदर बर्न होता रहता है और एनर्जी देता है कार को, सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी फूड कंटिन्यूअसली बर्न होता रहता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. एंड दिस एनर्जी वी आर यूटिलाइजिंग इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द होल डे. जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट. आफ्टर दैट फ्रॉम वेयर डज इट कम, अब सोर्सेज कहाँ है, ये फूड आता कहाँ से है. तो बेसिकली यू नो दैट वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल्स. हम लोगों को प्लांट प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास, एनिमल प्रोडक्ट्स भी है, बट मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी आर ईटिंग, ज़्यादातर खाना जो हम लोग खा रहे हैं हमें प्लांट से मिलता है, राइट. सो मेनी वेजिटेबल्स वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स, वी आर गेटिंग स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स, वी आर गेटिंग फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड इवन वी आर गेटिंग मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स. एंड फ्रॉम एनिमल्स वी आर गेटिंग एग्स, वी आर गेटिंग मिल्क्स, मीट, फिश, राइट. इवन मिल्क इज ऑल्सो योर एनिमल प्रोडक्ट, हमें भी वो भी मिलता है. हनी भी वी गेट फ्रॉम हनी बीज, तो दैट इज अगेन एन एनिमल प्रोडक्ट. सो हमें पता लग गया है कि वॉट आर द सोर्सेज, आप लोगों को फूड पता लग गया क्या होगा. मैं आपको इसी तरह शॉर्टकट समरी दूंगी ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं. तो हमें फूड पता लग गया, फूड इज अ फ्यूल इन आवर बॉडी, और हमें फूड कहाँ से मिल रहा है, वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ क्या हम प्लांट के सारे पार्ट्स खा सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल. हम प्लांट्स के कुछ ही पार्ट्स को खा सकते हैं. जो पार्ट्स हम प्लांट के खा सकते हैं उनको बोलते हैं एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट. दिस इज अ टॉपिक इन एनसीईआरटी अगेन चैप्टर नंबर 1. सो जो प्लांट के पार्ट्स को हम खा सकते हैं उसको हम बोलते हैं एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फॉर एग्जाम्पल वी ईट रूट्स, हम लोग रूट्स खाते हैं, लाइक कैरेट वी ईट, हम लोग गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, शलगम खाते हैं, बीट रूट खाते हैं, राइट. दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट. वी ईट फ्लावर्स ऑल्सो, हम लोग फ्लावर्स भी खाते हैं, लाइक कॉलीफ्लावर वी ईट, हम लोग कॉलीफ्लावर सारे खाते हैं, गोभी खाते हैं, फूल गोभी खाते हैं, एंड ब्रोकली, हम लोग ब्रोकली भी खाते हैं, ग्रीन गोभी, दैट इज अ फ्लावर. अगेन वी आर एटिंग द स्टेम ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो, यू नो दैट. जैसे अनियन, कुछ लोगों के घर में अनियन तो सारे खाने में डलता है, लाइक इन माई होम, तो अनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम. पोटैटो तो सब सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है, पोटैटो इज अगेन अ स्टेम. जिंजर, अदरक, जैसे लोग अदरक की चाय के बिना कितनी बार रह नहीं पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं सर्दी गर्मी पूरा 12 महीने अदरक की चाय पीती हूँ, तो अदरक अगेन जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्टेम. सिमिलरली गार्लिक आपका फिर दोबारा से स्टेम है. लीव्स, हम लोग लीव्स भी खाते हैं, लाइक मिंट की लीव्स, पुदीने की चटनी लोग खाते हैं गर्मियों में, दे आर फॉन्ड ऑफ पुदीने की चटनी. देन मिंट आपको हो गया, एंड देन यू आर हैविंग योर करी लीव्स, हम लोग कड़ी बनाते टाइम सांभर में, इवन साउथ इंडिया में तो हर एक खाने के अंदर करी लीव्स डलती हैं, जिसको हम कड़ी पत्ता कहते हैं, दैट इज अगेन अ लीव. देन कॉरियंडर लीव्स, हम अपने खाने को डेकोरेट करते हैं, उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, डिलिशियस बनाने के लिए हम हरा धनिया डालते हैं ऊपर, हरा धनिया इज अगेन अ लीव, राइट. वी ईट मेथी ऑल्सो, फेन्यूग्रीक, हम लोग आलू मेथी खाते हैं, तो मेथी हमेशा वो भी क्या है, हमारी लीव्स है. सो दे आर कॉल्ड द एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ व्हाट अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या हमारे आसपास सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है या दोनों ही है. सो हमारे आसपास के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. वन आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स, एंड वी ऑल वी कॉल दैट हर्बीवोर्स. फॉर एग्जाम्पल गोट सिर्फ घास ही खाती है, काओ वी कैन से, बफलो वी कैन से, शीप वी कैन से, डियर वी कैन से, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर्स. नेक्स्ट कम टू कार्निवोर्स, कार्निवोर्स आपके कौन से एनिमल्स हैं, दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, लाइक लायन, टाइगर, वुल्फ, ये सारे के सारे दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. बट कैसे खाते हैं, बाय किलिंग देम. वो लोग मरे हुए जानवर को कभी भी नहीं खाते हैं, दे किल देम एंड देन दे ईट, राइट. एंड द नेक्स्ट आर द ओमनीवोर्स, दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, लाइक हम लोग हैं,
I am a vegetarian, but some people are there who eat non-veg also and veg also, and उनको हम बोलते हैं omnivores, right? They are the three categories. Now honeybees, come to the honeybees. अब honeybees क्या होती हैं? हमें honey देती हैं, जो हम सर्दी खांसी जुखाम में मम्मियाँ हमें दे देती हैं कि नहीं medicine नहीं देनी है, allopathic चलो honey चटा दो अदरक का रस डाल के. तो honey आता कहाँ से? Honeybees से आते हैं. How? Honeybees क्या करती हैं? They are very very attracted to the flowers. जो attractive colors होते हैं flowers से, उनके honeybee उनसे attract हो जाती है, उनके पास जाती है flowers के पास, और उनके पास जाके उनका juice ले लेती है. उनके juice को बोलते हैं nectar. जूस लेके उसके बाद वो क्या करती है, अपने मधुमक्खी के छत्ता जो होता है उनका, उसके अंदर उसको स्टोर कर लेती है. एंड आफ्टर सम टाइम वो जो जूस होता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हनी, राइट? सो वी हैव डन ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दैट चैप्टर. इंपॉर्टेंट से ज़्यादा हमने सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर दिए. नथिंग इज लेफ्ट इन चैप्टर नंबर 1 क्लास 6. वी हैव डन फूड, वी हैव डन इंग्रेडिएंट्स, वी हैव डन edible parts of the plant. After that we have done types of organisms and the honeybees. And one more topic, seed germination. हम लोग कुछ लोग होते हैं जो health conscious होते हैं, diet conscious होते हैं, वो seed germinate करके भी, sprouts जिसको आप कहते हैं, वो पानी में भिगा के उसमें प्याज वगैरह डाल के मसाले डाल के वो खाते हैं, उसको बोलते हैं seed germination. जब आप seeds को भिगो के रख देते हैं, आप देखते होंगे राजमा, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट फूड इज राजमा. राजमा को क्या करते हैं, हम खाने के लिए उसको भिगाते हैं पहले, और राजमा का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, राइट? उसको बोलते हैं सीड जर्मिनेशन, ठीक है? एंड आप लोग जो आप स्प्राउट्स भिगाते हैं उसमें व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आता था, दैट इज कॉल्ड बेबी प्लांट, उसको बोलते हैं सीड जर्मिनेशन. सो वेन अ बेबी प्लांट या वेन अ सीड इज डेवलप्ड इनटू अ बेबी प्लांट, जब एक सीड एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन. एंड द लास्ट टॉपिक इंग्रेडिएंट्स, जो मैंने आपको नहीं बताया, इंग्रेडिएंट्स आर द कंपोनेंट्स that I used to prepare a particular dish. For example, my favorite food is again rajma rice. तो जब मैं राजमा बनाती हूँ तो मैं उसमें क्या डालती हूँ, मैं राजमा डालती हूँ, I eat spices, I add salt, मैं अनियन डालती हूँ, टोमेटोज डालती हूँ, ग्रीन चिलीज डालती हूँ, गार्लिक डालती हूँ, कोरिएंडर लीव्स डालती हूँ, वाटर डालती हूँ. तो जितनी भी चीज़ें मैं राजमा को बनाने के लिए उसमें डालती हूँ, उनको बोलते हैं इन्ग्रीडियंट्स ऑफ फूड. तो आप लोगों का अगर फेवरेट फूड जो भी है, फॉर एग्जाम्पल किसी किसी को छोले राइस पसंद है, किसी को पिज्ज़ा पसंद है, तो जितनी भी चीज़ें आप लोग किसी भी खाने को बनाने के लिए जो जो सामान आप उसके अंदर डाल रहे हैं, उसी को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड. सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ सजेशन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेशन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.